चेक करना भी पड़ेगा। एक ही सिस्टम ही खराब हो गया थोड़ा। तो हमारे पास एक डायग्राम है 3542 जो कि डेल का लैपटॉप होता है और इसका जनरेशन 4th जनरेशन का होता है। और इसमें हम आज देखेंगे कि जो हमारा ये अडेप्टर का वोल्टिंग सर्किट होता है जो डीसी कनेक्टर से लेके आपके फर्स्ट मोसफेट सेकंड मोसफेट तक का जो ट्रैवल होता है वो किस तरीके से 90 वोल्ट से ट्रैवल होती है। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं स्क्रीन, यहाँ पे आपको डीसी कनेक्टर दिखा और डीसी कनेक्टर के बाद आपको एक मोसफेट नज़र में आ रहा है, लेकिन इससे आगे जो सेकंड मोसफेट है वो किसी और पेज के ऊपर दिया है, उसका इंडिकेशन हमें इस डायग्राम ने दे रखा है जो कि अडेप्टर प्लस के नाम से है। लेकिन अडेप्टर प्लस पे जो 19 वोल्ट आएगा उसका जो ट्रैवल है वो किस तरीके से हो रहा है वो हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक सर्किट लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये सर्किट है जिसे कि जब तक आप सोल्व नहीं कर सकते तब तक आपका 19 वोल्ट ट्रैवल नहीं हो पाएगा। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो आपको इसको समझना ही पड़ेगा। अगर लैपटॉप चल रहा है तब तो सर्किट बिल्कुल ओके काम कर रहा है, लेकिन कस्टमर आपके सामने लाता है एक प्रॉब्लम लैपटॉप, और अगर प्रॉब्लम लैपटॉप ला रहा है और 19 वोल्ट अगर आपके एडी प्लस पे नहीं बन रहा है तो आपको कहीं ना कहीं इस वाले सर्किट को देखना पड़ेगा कि ये सर्किट किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आज हम इसी सर्किट को देख लेते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीसी कनेक्टर है और आप यहाँ पे डीसी कनेक्टर देख सकते हैं। डीसी कनेक्टर का जो पिन है टोटल 7 पिन का है, जिसमें से 3 पिन नेगेटिव 3 पिन पॉजिटिव और जो सिंगल पिन बचेगा वो अडेप्टर आइडेंटिफिकेशन की है। तो हमें पॉजिटिव पिन को लेके जब जैसे चल रहे हैं तो पिन नंबर 1, 2, 3 पॉजिटिव है। पॉजिटिव के नाम है डीसी इन सी, अंदर से चला कॉइल से निकलते हुए 19 वोल्ट आपके यहाँ तक आ गया और यहाँ से जैसे धीरे धीरे आपका आगे गया, यहाँ पे एक डायोड भी मिला जो कि प्रोटेक्शन डायोड है। ये डायोड आपके वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने देगा और ये डायोड ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट नहीं होने देगा। मतलब ये डायोड किसी भी वर्क का नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे आपके सर्किट को प्रोटेक्शन जरूर देने का काम कर रहा है। तो इससे आगे हम चल रहे हैं। तो हमने आगे देखा कि हमारे पास PU4201 का एक मॉस्फेट है जो कि पी चैनल का मॉस्फेट है और इसका जो डायोड का डायरेक्शन है, इस मॉस्फेट का डायोड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। अब इस तरह के डायोड का डायरेक्शन है तो हमें पता चल गया कि इस मॉस्फेट को ऑन कराना कंपलसरी है क्योंकि ये डायोड वोल्टेज को शिफ्ट नहीं कर सकता। अब इसके लिए इसके वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्या बनेगी, तो हमें पता चल चुका है कि ये पी चैनल है और पी चैनल के गेट की वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका जो शिफ्टिंग वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज। तो शिफ्टिंग वोल्टेज का नाम मैंने इसलिए लिया, मतलब आप इसी वोल्टेज को इस तरफ शिफ्ट करना चाहते हो। तो शिफ्टिंग वोल्टेज मेरा क्या है, 19 वोल्ट। तो शिफ्टिंग वोल्टेज से कम वोल्टेज आपको गेट पे मिलना चाहिए, मतलब 19 वोल्ट से कम गेट पे मिलना चाहिए, तब जाके आपका पी चैनल का मॉस्फेट स्विच होगा। अब इसके गेट पे वोल्टेज बनेगा कहाँ से, कैसे बनेगा? तो मैंने आपको बता रखा है कि पी चैनल के गेट पे जो वोल्टेज बनता है वो ऑलमोस्ट वोल्टेज डिवाइडर से बनता है। तो यहाँ पे आप वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट आपको नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है। तो यहाँ पे बिना कोई प्रॉब्लम के वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके जो आंसर मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा 3.1 वोल्ट। आप कैलकुलेट कर सकते हो 19 वोल्ट को लेकर, अप्रोक्स ऑलमोस्ट 3 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो अगर 3 वोल्ट मिलेगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 19 वोल्ट तो आ गया और मेरा जो शिफ्टिंग है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, कस्टमर अगर प्रॉब्लम लेके आया है तो आपको इसके गेट पे 19 वोल्ट मिलता है। अब 19 वोल्ट का कारण क्या है, 19 वोल्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 19 वोल्ट किस किस कारण से आ सकता है वो हमें समझना होता है। तो हम वोल्टेज डिवाइडर देख रहे हैं, यहाँ पे तो वोल्टेज डिवाइडर डिवाइड होगा, लेकिन 19 वोल्ट आने का रास्ता क्या है? तो जैसे कि आप यहाँ नीचे देख रहे हो, लेकिन नीचे आपने जब देखा तो नीचे आपको दिखा था एक कैपेसिटर, हमने कल भी इसे स्टडी किया था। तो नीचे एक कैपेसिटर है तो ये 19 वोल्ट को तो ऊपर आने नहीं देगा क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट होगा तब प्रॉब्लम आएगी। तो हो सकता है कैपेसिटर शॉर्ट होने से क्या होगा, चलो इस कैपेसिटर पे 19 वोल्ट नहीं है तो शॉर्ट होने से भी 19 वोल्ट नहीं आ सकता। दूसरा रास्ता क्या बन सकता है, तो दूसरा रास्ता आपका इधर से ये वाला कैपेसिटर है। अगर ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया तो 19 वोल्ट जो है ऊपर से जहाँ पे यहाँ 19 वोल्ट बन रहा है, ये 19 वोल्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा और आपके गेट पे चला जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे है। तो सर आप हमें करना क्या है, यहाँ पे इस केस में आपको इसको रिमूव कर देना है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे निकाल के ट्रक के नीचे डाल दो, एक्सीडेंट हो जाएगा और आपका काम सॉल्व हो जाएगा, एक आदमी मरा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इसे रिमूव दिस
एंड योर प्रॉब्लम सॉल्व इफ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आगे, और क्या अगर इस कैपेसिटर को निकालने से बात नहीं बनी, फिर क्या किसकी वजह से गेट पे 19 वोल्ट आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल रास्ता चलना है। रास्ता हमें दिख रहा है कि रास्ता यहाँ भी आ रहा है, अगर इसे हटाने से बात नहीं बनी तो रास्ता नीचे है। और ये रास्ता हमें क्या बता रहा है कि ये जो है ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर समझ लो एक एमिटर, एक कलेक्टर, बेस, और ट्रांजिस्टर वर्क करता है बेस के ऊपर। मतलब काम कैसे करेगा, समझ लो कि ये ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर का एक पिन एमिटर है और एक पिन कलेक्टर है। अगर ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, चाहे एन चैनल का ट्रांजिस्टर हो चाहे पी चैनल का ट्रांजिस्टर हो। अगर ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो एमिटर और कलेक्टर आपस में जुड़ जाएगा। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कोई सा भी ट्रांजिस्टर है, ऑन होने से एमिटर और कलेक्टर जुड़ता है। अगर मैं सर ने बोला, क्वेश्चन किया कि यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो ऑन होने से क्या हुआ, एमिटर और कलेक्टर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने से क्या हुआ, एमिटर पे 19 वोल्ट था और यहाँ पे 3.1 बन रहा था, तो 3.1 को बोलेगा तू भाग, 19 वोल्ट आया, कौन आया, बाप आ गया। ठीक है, लेकिन हमें समझ में आ गया कि अगली पॉसिबिलिटी ये बन सकता है, मतलब ये ट्रांजिस्टर मेरे को ऑन की कंडीशन में नहीं चाहिए, क्योंकि तो अगर ऑन होगा 19 वोल्ट गेट पे आएगा, गेट से आपका मोसफेट बंद। मतलब ये जो PQ4205 है ये मुझे बंद की कंडीशन में चाहिए, ऑफ की कंडीशन में चाहिए। अब वो उसका आंसर आपको पास पता है कि ऑन किस वोल्टेज से होगा और ऑफ किस वोल्टेज से होगा। मैंने आपको बताया कि ये मेरे को ऑफ कंडीशन में चाहिए। ऑफ क्यों चाहिए, उसका जवाब पता चल गया कि ऑफ इसलिए चाहिए ताकि कलेक्टर एमिटर कनेक्ट ना हो, चाहे एनपीएन हो पीएनपी हो, ये मेरे को ऑफ की कंडीशन में चाहिए। चाहे कल को अगर यहाँ एनपीएन भी लग गया तब भी मेरे को ये ऑफ की कंडीशन में चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ऑन हो गया, ये सपोज करो प्रॉब्लम है गेट पे, तो ऑन हो गया, 19 वोल्ट शिफ्ट हो गया, तो इसको ऑन किसने किया, ये सवाल बन गई। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को या किसी भी गेट को, मॉस्फेट को ऑन करने के लिए उसका गेट, उसका बेस जिम्मेदार होता है, तो इसको ऑन करने के लिए कहीं ना कहीं बेस जिम्मेदार है। या तो ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर टू एमिटर शॉर्ट हो चुका है, अगर शॉर्ट नहीं है तो जिम्मेदार है बेस, मतलब इसकी बेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने से ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है और इसकी रिक्वायरमेंट होती है लोड। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसके गेट में कभी क्या नहीं बनना चाहिए, लो नहीं बनना चाहिए। अच्छा, लो कौन दे सकता है इसको, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक और ट्रांजिस्टर है जो कि बिल्कुल इसके बेस के साथ कनेक्टेड है। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो सेम वही चीज, इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने से एमिटर कलेक्टर जुड़ा, इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने से एमिटर कलेक्टर जुड़ेगा। एमिटर कलेक्टर जुड़ने से क्या होगा, ग्राउंड मिल जाएगा इसको, और अगर इसको ग्राउंड मिला तो ये जुड़ जाएगा, इसके जुड़ने से गेट पे 19 वोल्ट चला जाएगा। मतलब ये भी पता चल गया कि मेरे को इसको भी बंद रखना है ताकि ये भी ना जुड़े और ये भी ना जुड़े, और ये जुड़ेंगे कब नहीं, जब दोनों बंद रहेंगे। इसको बंद रहने के लिए गेट पे लो नहीं होना चाहिए, इसको बंद रहने के लिए गेट पे हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एनपीएन है और ये पीएनपी है। तो ओके कंडीशन में इसके गेट पे अगर मैं बताऊं तो इसके गेट पे रहेगा 0 वोल्ट और इसके गेट पे रहेगा 18 वोल्ट। अब यहाँ पे बात आ गई कि सर 18 वोल्ट कैसे आएगा, तो आप ये ट्रांजिस्टर देख रहे हो, इस ट्रांजिस्टर के अंदर ये रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है अंदर ही अंदर, तो इसको कहते हैं डिजिटल ट्रांजिस्टर। जैसे कि 19 वोल्ट आपका यहाँ से आया और पिक्चर के अंदर जैसे आप देख रहे हो, ये देख सकते हो मैं जो लाइन दे रहा हूँ ये ऐसे करके रजिस्टर को पार करते हुए रजिस्टर के बेस पे आ जाता है, इसीलिए इसके बेस पे यहाँ से यहाँ तक आपको 18 वोल्ट के अप्रोक्स मिलता है, लेकिन इसके गेट पे 0 वोल्ट मिलना चाहिए। ये रजिस्टर के कारण सर वोल्ट कम हुए, हाँ मतलब 19 वोल्ट है तो 19 वोल्ट आ गया, 19 आ गया ना, तब तो ट्रांजिस्टर तो बंद ही है, पी चैनल तो बंद ही रहेगा, क्योंकि पी चैनल को ऑन होने के लिए पूरा 0 चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर इसको ऑन होने के लिए 0.7 चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, ये मॉस्फेट नहीं है कि इनपुट आउटपुट के हिसाब से गेट पे आएगा, ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए चाहे कितना भी हो इनपुट पे आउटपुट पे शिफ्टिंग करने के लिए ओनली फॉर 0.7। तो पीएनपी को ऑन करने के लिए अंडर 0.7 से नीचे चाहिए जिसे ऑन। अच्छा, ओके कंडीशन में यहाँ पे 0 वोल्ट रहना चाहिए, 0 वोल्ट कहाँ से रहेगा, तो आप बेस को जब पकड़ के चलोगे तो इधर से आएगा रास्ता इधर, और इधर से आएगा नीचे, और नीचे आएगा इधर से इस तरफ, और यहाँ पे नाम है पावर चार्जिंग अडेप्टर आउट, जो कि आपका माइक्रो कंट्रोलर, जो कि कंट्रोलर आयो, आयो चिप आपको यहाँ पे 0 वोल्ट सेंड करेगा। 0 वोल्ट की मदद से आपका ये वाला PQ4204
कंट्रोल में रहेगा। नीचे भी जा रहा है लेकिन नीचे भी हम देख लेते हैं, इधर से आया यहाँ पे देख सकते हैं डीवाई लगा है, कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, इधर से नीचे आ गए तो ये पिन नंबर 6 से कनेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ट्रांजिस्टर मॉस्फेट ऑन हो गया तो पिन नंबर 1-6 जुड़ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो ऑन होने से ग्राउंड आएगा, अगर ऑन नहीं हुआ तो कुछ नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ से भी 0 वोल्ट ही आएगा। अदरवाइज इसको एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका आईओ, मतलब 19 वोल्ट को ब्लॉक कर सकता है आपका आईओ, मतलब बोर्ड पे 19 वोल्ट को बनने से आपका आईओ रोक सकता है, मतलब आयो के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आपके 19 वोल्ट को जहां से बन रहा है वहीं पे ब्लॉक कर दे। आयो के अंदर ये आयो से 0 वोल्ट कैपेबिलिटी है, हाँ आयो 0 वोल्ट देगा तब आपका काम होता रहेगा। अगर आयो 3 वोल्ट दे दिया, ठीक, अगर आयो 3 वोल्ट दे दिया तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होने से एमिटर कलेक्टर जुड़ेगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, इस ट्रांजिस्टर से ऑन होने से 19 वोल्ट आएगा इसके गेट पे और 19 वोल्ट एडी प्लस पे कभी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।